वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही डिफरेंट तरीका शेड करने का, जिससे आप फैब्रिक पेंटिंग बहुत ही आसानी से और जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इस पेंटिंग और शेडिंग करने के लिए आपको चाहिए एक राउंड ब्रश, क्योंकि आप देखिए मैं इसमें राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और मैंने लिया है रेड कलर, नॉर्मल रेड कलर जो मार्केट में मिलता है आप वो यूज़ करें। मैंने बहुत ही बेसिक कलर यूज़ किया है। डिज़ाइन बना के जो रखे हैं उसको हम करेंगे आउटलाइन, इस तरीके से करेंगे वन बाय वन। इसमें क्या है, आपके डिज़ाइन बहुत अच्छे होने चाहिए। ये शेडिंग अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो डिज़ाइन ही बहुत ही परफेक्टली ड्रॉ होनी चाहिए, हर एंगल उसका परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। चलिए पहले हम वन बाय वन आउटलाइन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, तो बहुत ही आराम से करेंगे। अच्छा, एक बात बहुत ही ध्यान में आप रखेंगे, जो आउटलाइन है वो बहुत ही क्लियर फाइन आनी चाहिए, एकदम सफाई के साथ, वो मोटी पतली ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये शेड आसान है अगर आप सीख जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी दिखेगी। फाइनली मैंने सारी डिज़ाइन को आउटलाइन कर लिया है। पहले मैंने बहुत ही इसमें बेसिक कलर यूज़ किया है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ग्रीन कलर यूज़ किया। और लीव की जो वीडियो है मैंने कल अपलोड कर दी थी, तो आपको दो पार्ट में मिल जाएगा, और इसकी लीव की वीडियो जो है मैं वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर मैं फ़्लावर के लिए यूज़ कर रही हूँ रेड कलर, जो बेसिक बहुत ही आराम से आपको मार्केट से मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल। अब हम लेंगे फ्लैट ब्रश, आपके पास जो भी फ्लैट ब्रश हो, जिस पे आपका हैंड सेट हो, उससे आप शेडिंग अच्छे से कर सकते हैं, वो ब्रश आप लेंगे और फिर हम शेड करना शुरू करेंगे। अब आप देख रहे होंगे मैं किस तरीके से शेड कर रही हूँ, पहले आप ध्यान से देखिए, फिर मैं अभी बताऊँगी तो आपको बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस शेडिंग का पार्ट है, वो आपको ध्यान देना है, वो शेडिंग में मूवमेंट है, आपके ब्रश के मूवमेंट बहुत ही क्लियर एंड फाइन होनी चाहिए। आपको छोटे छोटे स्ट्रोक से ब्रश उठाना नहीं है, आप पहले अच्छे से देखिए। मैं ब्रश एक बार मैंने पूरा शेड कर दिया, फिर बाद में भले उसको ऊपर से डार्क कर लेंगे, शुरुआत में ऐसा नहीं करेंगे, वरना आपका जो शेड है उसमें ब्रेकेज आएगा, जो कि उसका लुक ख़राब कर देगा। अगर आपको शेड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फ्रेम को अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, मैंने तो एक जगह रखा हुआ है। अब जैसे आप ये वाली पेटल को कर रहे हैं और आपकी शेड अच्छे से नहीं आ रही, तो आप इसको अपनी साइड से टर्न कर लेंगे। टर्न करने से क्या होता है, शेड अच्छे से आ जाता है। इसमें हम क्या करेंगे कि ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आपने कलर लोड कर लिया ब्रश पे तो वो फिर इस तरीके का शेड नहीं आ पाएगा। इसमें हमको बहुत ज़्यादा कम कलर चाहिए, लेकिन वो पूरे ब्रश पे लगा होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद से हम शेड करेंगे, तभी हमारा ऐसा इफ़ेक्ट आएगा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इसमें टाइम भी कम लगता है, क्योंकि आउटलाइन करके शेड करना है, तो कंपेरेटिवली जब हम फुल फिल वाला शेड करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की शेडिंग पे और भी डिज़ाइन दिखाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिज़ाइन पे इसको दिखा दूँगी। ये शेड तो इजी है, बट इसमें डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट चाहिए। अगर डिज़ाइन उतनी बैलेंस्ड नहीं है और उसमें कुछ भी इश्यूज़ हैं, मतलब इसमें एरर्स हैं, तो ये शेड करने के बाद भी आपके डिज़ाइन का लुक उतना अच्छा नहीं दिखेगा, वो अजीब सा लुक आएगा। तो मैंने देखा भी है जब नहीं आता लोगों को तो करते हुए, तो वो बहुत ही बुरा दिखता है। इसलिए आप जब भी इस शेड को यूज़ करेंगे, मेक श्योर कि आपकी डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो हम आउटलाइन करते हैं वो तो डिज़ाइन पे ही करते हैं। तो जो आउटलाइन है, आप देख रहे हैं जो मैंने लीव्स बनाई हैं ऊपर, या जो मैं फ्लावर शेड कर चुकी हूँ, उसकी आउटलाइन कितनी क्लियरली हमें दूर से ही दिख रही है, तो वो ही जब सही होगी तब इसका लुक अच्छा आएगा, क्योंकि अंदर तो हमने बस शेडिंग की है। तो मेन जो इसकी प्लस पॉइंट है वो है इसकी बैलेंस डिज़ाइन। शेड करते टाइम आपके ग्रिप जो है आपके ब्रश पे बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ना ब्रश पे ज़्यादा प्रेशर लगा के बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देंगे, ना ही बहुत ही हल्के हाथ से पकड़ेंगे।
ब्रश पे नॉर्मल प्रेशर रखना है और शेड करने के बाद हमारा थोड़ा सा जो वाइट फैब्रिक है वो बचना चाहिए। पूरा कम्प्लीटली एंड तक हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हमें उसको वाइट छोड़ना है, तभी हमारा जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और खिल के आएगा। आई होप कि आपको ये शेडिंग टेक्निक बहुत ही अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसको हम इसी तरीके से 1x1 शेड करेंगे और उसके बाद मैं आपको उसका बीच का पार्ट बनाना बताऊंगी, जिसको हम पराग भी बोलते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पराग बनाना बताया है, क्योंकि आप तो नॉर्मली मैंने लोगों को देखा है बस येलो कलर फिल करके छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने हर डिज़ाइन में डिफरेंट तरीके से पराग बनाया है। उससे आपकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो जाती है। आप सेम डिज़ाइन बनाएंगे लेकिन अगर आपने पराग बहुत अच्छा बनाया है तो उसका लुक ही चेंज हो जाता है। तो आप ज़रूर वो सारे डिज़ाइन देखें और सीखें ताकि आप मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि हो सकता है आप कोई डिफरेंट वीडियो देख रहे हो और आपकी पसंद कुछ और हो, तो आप चैनल पे जब विज़िट करेंगे आपको हर तरीके की पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। शेडिंग, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन मेरी हमेशा यूनिक और ओरिजिनल होती है। तो उससे क्या है कि आप मेरे हर एक वीडियो से कुछ नया सीखेंगे और जिस तरीके की आपकी पसंद होगी आप वहाँ से अपने हिसाब से देख सकते हैं और उसके बाद पेंट कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई है और मैंने हर वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपको कुछ नया बताऊं, क्योंकि बहुत से डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं तो उनकी अलग अलग पसंद है। तो आप चैनल पर विज़िट करके अपनी पसंद के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हमने अपनी सारी डिज़ाइन कम्प्लीटली शेड कर दी, अब हमें बनाना है पराग। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम येलो कलर डाल के छोड़ दें, तो वो तो मैं करूँगी नहीं। अब मैं आपको देखिए इसमें एक न्यू बताती हूँ आपको क्या करना है। आप सेम कलर लेंगे और ब्रश आप अपना फ्लैट वाला यूज़ करिए या आप जिसे आपने शेड किया है, क्योंकि अब इसमें तो कलर अच्छे से लगा ही है। उसमें हम थोड़ा और कलर लेंगे लेकिन ज़्यादा पानी या मीडियम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा ड्राई पे ही होना चाहिए। और उसको डैप 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 कर देंगे पूरे सर्कल में और थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ देंगे। इस तरीके से आप देखिए हमारे फ्लावर का लुक कितना चेंज हो गया है। और हम फिर नेक्स्ट फ्लावर को भी इसी तरीके से करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि देखिए हमने पहले शेड किया था और हमने बहुत ही अच्छा पराग बना दिया, हमारी डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और इसका इफ़ेक्ट जो आता है शेडिंग का इफ़ेक्ट वो बहुत ही खिल के आ रहा है। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल से पेंटिंग सीखते हैं और कोई डिज़ाइन पेंट करते हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, मैं उसको एज अ सब्सक्राइबर वर्क शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।